हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए दुख उठाया ताकि हम शिफा पाएं। उसके इन तमाम सलीबी कलमात के लिए जो खुदा के कलाम में दर्ज है, उसके लिए उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि इनमें हमारे लिए खुदा की तरफ से इत्मीनान है, तसल्ली है और बरकत है। आज जहाँ जहाँ भी इस सारे अबादती माहौल को किया जाता है, वहाँ खुदा अपने पाक रूह के वसीला से जुमुश करे, ताकि जितनी जिंदगियां भी आज उसके हुजूर हाजिर होती हैं, वो इस सारे जो भी कलाम सीखा जाता है और खुदा की हम्द खुदा की तारीफ की जाती है, उसके वसीला से खुदा के जोर शुक्रगुजार हों। कदस हम तेरे सो चुके हैं, तेरे पाक नाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो सब नामों से आला है। अरे खुदा, तो हमारा मोहकम किला है, तो हमारी मोहकी पनागा है। गुजरा साल तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तूने इस साल भी रहनुमाई की है और ये दिन अता किया कि हम उन दुखों को याद करके तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। अब इस इबादत के शुरू से आखिर तक खुदा तेरी मदद चाहते हैं, तेरा फजल मांग लेते हैं, ताकि खुदा आज सारी इबादत के वसीला से हम तुझसे बरकत पाए। क्वायर के लिए दुआ करते हैं, इनकी गले आवाज को शोले मसा कर, रुकी मामूरी अता कर, हमें और भी आजजी इंकसारी अता कर, ताकि तेरी वसीला से जब तेरी इबादत की जाती है तो ये हम सबों के लिए बरकत का बायस बने। अरे खुदा, जो आ चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, और बाकी जो आने का इरादा रखते हैं उन्हें भी जल्द अपने घर में ले आ। जो बीमार हैं, जो किसी मुसीबत में हैं, उनके लिए खुदा तुझसे सुकून चाहते हैं। इस सारे वक्त को तेरे सपोर्ट करते हैं, हमारी रहनुमाई करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम खुदा की तारीफ में ज़बूर 122 के साथ खुदा की हम करें। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, ज़बूर 122 के साथ हम खुदा की तारीफ करें। गवाही दी खातिर है जड़
हम अपने आप खुदा के सर झुकाएं और दुआ करें, खुदा का शुक्र अदा करें आज के दिन के लिए जब खुदा ने आज हमें ये मौका अता किया है कि हम उसके सर झुक सकें। दरख्वास्त है डीकन चमन साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें।